वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने अमेरिकन बुल्ली की जगह पिटबुल वर्ड यूज़ किया है, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिटबुल की 10 प्रॉब्लम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। पिटबुल एक डॉग टाइप होता है जिसके अंदर 4 डॉग ब्रीड आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम उन 4 डॉग ब्रीड के ऊपर है, इसलिए वीडियो के नाम में और थंबनेल में आपको पिटबुल ही मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर मतलब पहली बार कोई सा भी डॉग पालना। अगर आप पिटबुल को पहली बार में पाल लोगे तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे और आपको नहीं मालूम होगा कि पिटबुल के साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है करके। प्रॉब्लम नंबर 2, अग्रेसिव। पिटबुल के अग्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। पिटबुल के अग्रेशन के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, इसी कारण ये बहुत सारे कंट्री में बैन है। प्रॉब्लम नंबर 3, डॉग बैंड। पिटबुल न्यूजीलैंड, बैनवर्क और फ्लोरिडा जैसी कंट्री में बैन है। प्रॉब्लम नंबर 4, कंट्रोल। पिटबुल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उसे बाहर घुमाने लेके जाओगे तो वो दूसरे जीव को देखेगा, तो तब उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 5, अलोन। पिटबुल को अलोन रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगर आप उसे घर में अकेला छोड़ोगे तो वो आपके घर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। प्रॉब्लम नंबर 6, फ्रेंडली डॉग। पिटबुल ओनर के बहुत वफादार होते हैं और बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन कोई अजनबी आया तो उसके साथ ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं रहते। वो अजनबी अगर ओनर को मार भी दिया तो पिटबुल उसकी जान तक ले सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, वेदर। पिटबुल को ना ज़्यादा गर्मी पसंद है और ना ज़्यादा ठंडी, और ये इंडिया के वेदर के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तब भी लोग इसे इंडिया में पालते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, हेल्थ इशू। पिटबुल को बहुत कम हेल्थ इशू होता है, जिसमें से स्किन एलर्जी और बोन कैंसर ये ज़्यादा देखा गया है कुछ सालों में। प्रॉब्लम नंबर 9, नेचर विथ अदर डॉग ब्रीड्स। पिटबुल बहुत अग्रेसिव डॉग होते हैं और वो अपने सामने किसी और दूसरे डॉग ब्रीड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या तो वो उसे मार देंगे या अच्छे से घायल कर देंगे। अगर आप बचपन से पिटबुल को उस डॉग के साथ रखोगे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10, स्मॉल अपार्टमेंट। पिटबुल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो हमेशा दौड़ते खेलते हुए दिखेंगे, इसलिए वो स्मॉल अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। दोस्तों, ये थी पिटबुल की 10 प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद। अलविदा मेरे दोस्तों, दुआ में याद रखना।